Redmi 12C जो हाल ही में लॉन्च हुआ एंट्री लेवल फोन है जो इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है डिस्प्ले डिजाइन 50 ड्यूल कैमरा सेटअप ह्यूज बैटरी एंड मेनी मोर दोस्तों आज मैं Redmi 12C का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो इंडिया में अगले महीने लॉन्च होने वाला है

और ये व्हाइट कलर में माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है और आखिरी में सिंक टूल मिल जाता है बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलेगा और दोस्तों बॉक्स में इस बार ट्रांसपेरेंट केस नहीं देखने को मिलेगा तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा फोन के प्लास्टिक व्रिप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की रेडमी ट्वेल्व सी में काफी अट्रेक्टिव कलर मिल जाते हैं और ये मिंट ग्रीन कलर है इसके अलावा ब्लू वायोलेट एंड ब्लैक कलर ऑप्शन मिल जाएंगे बेक में देखे तो स्ट्रिप एक्सर्ट देखने को मिल जाता है जो काफी अट्रेक्टिव लगते हैं यानी फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे टॉप लेप में स्लाइटली बंपी कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जहां पे दो कैमरा लेंस मिल जाए वैसे एक ही कैमरा लेंस काम का है कैमरा मॉड्यूल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा जो बहुत ही ऊपर है लेकिन रेगुलर यूज पे यूज टू हो जाएगा टॉप में देखे तो थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक मिल जाता है जो आजकल बहुत ही कम फोन में देखने को मिलता है यानी अगर आपके पास थ्री पॉइंट फाइव जेक वाले हेडफोन है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं

बड़ी ही देखने को मिलती है डिस्प्ले में ब्राइटनेस एस पर कंपनी 500 हंड्रेड तक मिलती है लेकिन यहाँ पे 459 हंड्रेड तक मिलती है और डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस मिल जाती है लेकिन ऑटो ब्राइटनेस इतनी सेंसिटिव नहीं है Redmi 12C में परफॉर्मेंस की बात करें तो G85 एटी फाइव ऑक्टाकॉर प्रोसेसर मिल जाता है इंटू टू स्कोर यहाँ पे 2 लैक्स के ऊपर मिलता है ज़्यादातर एंट्री लेवल फ़ोन में इतनी ही स्कोर मिलता है और इस प्राइस रेंज में तो ये प्रोसेसर अच्छी बात है फोन में किंग ऑफ ग्लोरी 60 एपीएस पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 57 सेवन एफपीएस तक मिल जाती है अगर स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो पिक्चर क्वालिटी लो रखने से ही फ्रेम रेट स्टेबल मिलती है क्या ये फोन गेंजिन इम्पैक्ट को रन कर पाएगा यहाँ पे एवरेज फ्रेम रेट 30.6 पॉइंट तक मिल जाती है ऑफकोर्स यहाँ पे लो लेवल की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी लेकिन गेंजिन इम्पैक्ट यहाँ पे चलती है ये बहुत ही बड़ी बात है लेकिन लेक देखने को मिलती है लेकिन थोड़ी बहुत तो लेक देखने को मिलेगी टेम्परेचर कंट्रोल एवरेज मिल जाता है गेंज इंपैक्ट में टेम्परेचर थोड़ा हाई मिलेगा रेडमी ट्वेल्व सी में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो डेली यूज के लिए इनफ है जहां पे एच सपोर्ट भी मिल जाता है जूम में डिटेल अच्छी मिल जाती है स्टेबल नाइट सीन में भी अच्छी फोटोज मिलती है लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा नॉइस देखने को मिलेगा लेकिन फोटोज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर मिलते हैं साथ में ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा मिलता है फ्रंट में फाइव मेगा का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो एवरेज कह सकते हैं फोन में बेसिक सिक्सटी फोर जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिल जाता है जो अभी की लार्ज एप्लीकेशंस के लिए काफी स्मॉल स्टोरेज कह सकते हैं रेडमी ट्वेल्व में एस की बात करें तो मी 13 थर्टीन पे चलता है जो एंड्रॉयड ट्वेल्व बे है, जो फीचर्स के साथ आता है और ओ एस में एनिमेशन काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है फोन में सिंगल स्पीकर और वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है जो इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक बात सही नहीं लगी ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन पे काफी सारी एड्स देखने को मिल जाती है जो काफी एनोइंग बात है रेडमी ट्वेल्व सी में बैटरी की बात करें तो फाइव थाउजेंड की बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए बेसिक टेन वोट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है की 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 प्राइस प्राइस बात करें तो बेस वेरिएंट इंडियन रुपीस में करीब 8,400 से शुरू होती है कंक्लूजन पे आए तो फोन में प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है कैमरा भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर मिल जाता है बैटरी भी यूज मिल जाती है अब देखना यह है कि इंडिया में कौन सी प्राइस में लॉन्च होता है और कब लॉन्च होता है और दोस्तों आप क्या सोचते हैं Redmi 12C के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगे और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला क्यू वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर ताकि आपको लेटेस्ट और टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड कर दें तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अ ग्रेट हैंड कीप स्माइलिंग